हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक और शेयर करिए। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने वाले उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 5%, 10%, 15% या फिर 25%। आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10%। अब देखो, लोकसभा विरोधी दल का जो नेता होगा, इनको मान्यता देने के लिए यानी कि इनको रखने के लिए कम से कम जो दल के सदस्यों की कुल संख्या होनी चाहिए वो कितनी रखी गई है, कम से कम 10 होनी चाहिए। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10%। आइए देखते हैं, विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष क्या कहा जाए इन्हें। विपक्ष का नेता या फिर कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष, भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व होता है। विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती है उसे किसी सांसद का विपक्ष नेता चुना जाता है, यानी कि जो सदन होता है उसमें अगर जिसके पास ज़रा सीट होगी उसे क्या होगा, उसे ही विपक्ष का नेता चुना जाता है। हालांकि यदि विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटें 10% नहीं हो तो ऐसी दशा में सदन के कोई विरोधी नेता नहीं होगा। अगर 10% से कम होती होगी तो क्या होगा, सदन के में क्या होगा, कोई विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। 10% अंश की गणना दल के आधार पर होती है, यानी कि गठबंधन के आधार पर नहीं होती। किसके आधार पर होती है, तो गणना दल के आधार पर होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन है आपके पास कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उपरोक्त में से किसी के बराबर नहीं। तो आपको बताओ सर्कुलर कमेंट सेक्शन में किसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की गई है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की गई है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। कौन सी मान्यता, वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है उन्हें। 1 नवंबर 1987 को प्रभावी एक पृथक विधान के माध्यम से कैबिनेट मंत्री की भांति वेतन अन्य उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जाती है। किसे, देखो क्लियर है आपको कि 1 नवंबर 1987 को प्रभावी एक पृथक विधान के माध्यम से जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनकी भांति वेतन तथा अन्य उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जाती है। किसे, विपक्ष के नेता को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे, यानी कि लोकसभा का जो विरोधी दल है इसके पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। ऑप्शन है आपके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राम सुभग सिंह या फिर वाई वी चौहान। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में किसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम सुभग सिंह। लोकसभा का विरोधी दल जो था इसके पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन से, इसके पहले न मान्यता प्राप्त इधर नहीं उसके पहले तो कौन थे, राम सुभग सिंह जी। तो आपको सही जवाब का वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राम सुभग सिंह। आइए देखते हैं, अब देखते हैं राम सुभग सिंह यह कौन थे। देखो, राम सुभग सिंह भारतीय राजनेता थे, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और 3 से 4 लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद वे भारतीय कांग्रेस संघ में रहे, कई में भारतीय जो कांग्रेस संघ है इसमें। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 1969 में लोकसभा में विपक्ष नेता के रूप में कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन या कांग्रेस या इसे ओ भारतीय
में क्या कहा था, एक राजनीतिक पार्टी थी, कौन सी थी, एक राजनीतिक पार्टी थी कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाए या फिर कांग्रेस। आगे देखते हैं, जिसका गठन तब हुआ जब इंदिरा गांधी के निष्कासन के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। अब देखो किसके किसका निष्कर्ष, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस का निष्कर्ष कब, किसके बाद हुआ था, कौन आया था, तो आप क्या कहोगे, इंदिरा गांधी के निष्कर्ष के बाद ही कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ये आपसे कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था, आप क्या बताओगे, 1969 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन था। ऑप्शन आपके पास वाई वी चौहान, भोला पासवान, कमलापति त्रिपाठी या फिर सी एम स्टीफन। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, विपक्ष के पूछे हैं कि कौन थे। क्या जवाब होगा इसका, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमलापति त्रिपाठी ही राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा पार्टी में विपक्ष के जो प्रथम नेता थे वह कौन थे, तो आप क्या बताओगे, कमलापति त्रिपाठी जी ही राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता था। कमलापति त्रिपाठी एक भारतीय राजनीति थे, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, वे संविधान सभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कब से कब तक, 1971 से 1973 तक, तथा भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं। वर्ष 1977 से 1980 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं। किसके, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कब तक रहे, तो 1977 से 1980 तक। यह क्या कौन थे, तो यह एक भारतीय राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सॉलिसिटर जनरल होता है कौन, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। ऑप्शन है आपके पास एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, बी, सी या फिर डी होगा। क्या क्वेश्चन है हमारा कि भारत का जो सॉलिसिटर है जनरल वह कौन होता है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। आइए देखते हैं, अब देखते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो देखो, सॉलिसिटर जनरल भारत का महान्यायवादी या फिर क्या कहा जाता है इसे, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, और को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसके अधीन क्या करता है, यह कार्य करते हैं। इसके बाद देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। कितने सालों के लिए की जाती है, 3 वर्ष के लिए, ओनली 3 वर्ष, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर होता है। देखो, इंपॉर्टेंट लाइन है कि देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, सॉलिसिटर, ठीक है। वह महान्यायवादिक सहायता के रूप में कार्य करता है, जबकि जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सहायता करता है। सॉलिसिटर जनरल भी कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ऑप्शन है आपके पास महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाभिकर्ता या फिर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यह क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। क्या होगा इसका सही जवाब, ए होगा क्या, बी होगा, सी या फिर डी, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो, कानूनी विषयों पर जो राज्य को परामर्श देता है वह होते हैं एडवोकेट जनरल। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने वाले एडवोकेट जनरल होते हैं। चलिए देखते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता या फिर कह लो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत कहा गया है, तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत कहा गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्येक राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, एडवोकेट। ऑप्शन है आपके पास राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रत्येक राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति, तो मैं आपको बता दूं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 165। किसके अनुसार की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? तो आपको याद रखना है महाधिवक्ता जो है उनके द्वारा, किसके द्वारा? महाधिवक्ता। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप क्या बताओगे कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल को प्रसाद प्राप्त कार्य करता है, यानी कि उनके साथ में कार्य करता है। देखो, राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा नहीं सकता। क्या होता है? देखो, अगर महाधिवक्ता होता है तो राज्यपाल जो क्या हो उन्हें हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक काम करते हैं उनके साथ में। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। अगर देखो, ऐसा भी हो सकता है अगर पद नहीं हो तो महाधिवक्ता जो है वो, अगर जब जैसे सर्वोच्च न्यायालय का पद नहीं हो उसके बाद क्या कर सकता है कि ये इनके पद धारण कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन है आपके पास अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का महासचिव। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, ठीक है, उच्चतम विधि अधिकारी पूछा है, वह कौन होता है? क्या होगा इसका सही जवाब? ए होगा क्या, बी या फिर सी या फिर डी, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि उच्चतम विधि के जो अधिकारी होता है वह होते हैं एडवोकेट जनरल, जो कि उच्चतम विधि के अधिकारी होते हैं। आइए देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 165 का जो भाग पहला है उसके तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, यह भी चीज़ हमने देखी थी कि महाधिवक्ता राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है, तो कौन होता है? महाधिवक्ता। आगे देखेंगे, उसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है राज्य सरकार के जो, सरकार की जो विधि संबंधी विषय है उन पर सलाह देना। अनुच्छेद 165 के भाग दो में महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्राप्त पद धारण करता है, यानी कि राज्यपाल उन्हें कभी हटा नहीं सकता, उनके साथ कार्य करता है, यह कैसा? और अनुच्छेद 165 के भाग तीन में भी यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? मतलब भाग भी ले सकते हैं और बात अपनी रख भी सकते हैं, परंतु मतदान नहीं, मतदान का क्या है, उन्हें अधिकार नहीं है। ऑप्शन है आपके पास महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या फिर निर्वाचन आयुक्त। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर आप बताइए, ए होगा क्या, बी, सी या फिर डी होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ इसका सही जवाब है, वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाधिवक्ता जो क्या कर सकता है, एक तो किसी विधानमंडल के जो सदन है उनमें कार्यवाहियों में भाग भी ले सकता है और उसमें बोलने का अधिकार है, परंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। किसे? महाधिवक्ता को। देखो, यह राज्य के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन व भत्ते से विशेष अधिकार प्राप्त है। किसे विशेष अधिकार प्राप्त है? तो आप किसके बताओगे? महाधिवक्ता को। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल। किसकी मुख्य सतर्कता, जो सतर्कता है आयुक्त, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।